दोस्तों, लाल लाल बटन दबाकर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में एक नोटिफिकेशन का एक घंटे वाला बेल है, उसको दबा दीजिएगा कि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा आप लोगों को मिलता रहे। इसके लिए वेलकम फ्रेंड, आज हम लोग इन्वर्टर में नॉर्मल लोड है या फिर लोड नहीं है फिर भी ओवरलोड डिस्प्ले कर रहा है, ये क्यों कर रहा है इसके बारे में समझेंगे। ये सर्किट बोर्ड है इसकी, इसमें ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगी मेन, फिर भी ओवरलोड डिस्प्ले करेगा। उसके बाद में ओवरलोड डिस्प्ले करेगा और लो बैटरी के साथ में डिस्प्ले करेगा तो समझिए ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, मेन ट्रांसफार्मर जो है। और उसके बाद में अगर लोड ओवरलोड दिखा रहा है तो मॉस्फेट चेक कर लीजिएगा दोनों साइड के मॉस्फेट। उसके बाद में ये डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड ख़राब हो जाएंगे तभी भी ओवरलोड दिखाएगा। इस पाइप वोल्टेज कंट्रोल के लिए लगा हुआ है, ये अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ओवरलोड डिस्प्ले करेगा। उसके बाद में कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये वाले, ये कैपेसिटर जब ख़राब हो जाएंगे तभी भी ओवरलोड डिस्प्ले करेगा। उसके बाद में आगे चलेंगे हम लोग 324 IC जो है, ये जब ये ख़राब हो जाएगी तभी भी ओवरलोड डिस्प्ले करेगा। और इस साइड का जो कंपोनेंट है जितने इसके अंदर में जब ख़राब हो जाएंगे तो ओवरलोड डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद में यहाँ तक चेक कर लिए, ओके है सब कुछ, आईसी बदल लिए फिर नहीं हो रहा है तो माइक्रो कंट्रोलर बदल दीजिएगा, ये ख़राब हो जाएगा तभी भी ओवरलोड डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद में माइक्रो आईसी लगाने का बाद भी नहीं हो रहा है तो इन्वर्टर के आउटपुट में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, उसके बाद एक कैपेसिटर होता है आउटपुट में। अगर ये वाला सर्किट ख़राब हो जाएगी तभी भी ओवरलोड डिस्प्ले करेगा क्योंकि स्पाइक जो वोल्टेज होता है कंट्रोल नहीं हो पाता है, इससे भी ये ओवरलोड डिस्प्ले करेगा, इसको चेक कर लेना है। उसके बाद आगे जाना है तो ये रिले भी चेक करना है, रिले में अगर शॉर्टिंग होगा रिले ख़राब होगी तभी भी ओवरलोड डिस्प्ले करेगा, इसे चेक कर लेना है। देख रहे हैं इसमें 324 IC जो है खराब होगी तब ओवरलोड डिस्प्ले करेगा। और इधर में जितने सेक्शन में लगे हुए हैं सामान चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी कंपोनेंट ख़राब होगी, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, जो भी ख़राब होगी ओवरलोड का डिस्प्ले करेगा। अब चलते हैं हम लोग साइन वेव इन्वर्टर में, ये हो गया 24x7 का, इसके बोर्ड में भी प्रॉब्लम होता है, ओवरलोड का ज़्यादा प्रॉब्लम निकलते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग को ज़्यादातर ओवरलोड डिस्प्ले करेगा तो पहले माइक्रो आईसी, ये ड्राइवर आईसी ख़राब होने से ओवरलोड डिस्प्ले करता है। और उसके बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम्स में लगे हुए हैं, यहाँ पे कितने ओम्स में लगे हुए हैं चेक कर लीजिएगा, अगर ये ख़राब होंगे तभी भी ओवरलोड डिस्प्ले करेगा। डायोड लगे हुए हैं चेक करना है, कैपेसिटर की वजह से ओवरलोड डिस्प्ले करता है। और मॉस्फेट जब आपको मॉस्फेट जला हुआ मिलेगा तो समझिएगा ड्राइवर आईसी भी ख़राब है, मॉस्फेट बदली कीजिएगा ड्राइवर आईसी बदली कीजिएगा। इस पीरियड में अगर मॉस्फेट चला गया ड्राइवर आईसी बदली करना ही पड़ेगा। और कैपेसिटर चेक कर लीजिएगा, ओम्स में जितने रेजिस्टेंस है सब चेक कर लीजिएगा।